एवरीवन, क्या आपको पता है बंजारा मार्केट फरीदाबाद में भी आ चुकी है। जी हाँ, ये वही गुड़गांव वाली बंजारा मार्केट है जो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ी बंजारा मार्केट नहीं है, आपको इस तरह के प्लांटर मिल जाएंगे जो ऑब्वियसली बंजारा मार्केट में मिलते हैं। इस तरह के डोनट वास जिनके शेड मुझे कुछ डिफरेंट लगे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी लगी, बट इनके प्राइस बहुत हाई ये चार्ज कर रहे थे और बार्गनिंग करने पर भी कम नहीं कर रहे थे। तो अगर आप बार्गनिंग में अच्छे हैं तो सुबह सुबह के टाइम पे जाओ, तब तो थोड़े चांसेस हैं ये ज़्यादा आपके प्राइस लो कर देंगे, प्राइस में डिस्काउंट कर देंगे। अदरवाइज़ ये लोग ज़्यादा डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो प्लांटर्स मुझे अच्छे लगे और ये बिल्कुल रेगुलर प्लांटर थे, कोई ज़्यादा कुछ मुझे नई चीज़ तो देखने को नहीं मिली, और जो नॉर्मल बंजारा मार्केट में सामान होता है वो मिला। ये देखिए इस तरह से मसाला बॉक्स है और वही रेगुलर सामान है। तो आप अगर फरीदाबाद में हैं तो आप यहाँ से बंजारा मार्केट का सामान खरीद सकते हैं। इस तरह के मिरर थे, टेबल्स थी और वॉल हैंगिंग आइटम्स थे, लालटेन थी और जितने भी प्लांटर्स होते हैं वो थे। यहाँ पे सब कुछ मुझे मिला जो मैंने बंजारा मार्केट की वीडियोस में देखा था। और ये देखिए कितने सुंदर लालटेन हैं, इस तरह से हम इसमें लाइट लगा के इसको डेकोर कर सकते हैं। और बंजारा मार्केट ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई थी। 11 बजे के बाद आप अगर फरीदाबाद में हैं तो 11 बजे के बाद जाएं, क्योंकि 11 बजे के बाद ही सारी शॉप्स ओपन होती हैं। इस तरह से मैंने भी एक ये हैंड वॉश कंटेनर लिया और जो मुझे 100 रुपीज़ जिन्होंने जिसको चार्ज किया, मुझे इसका रेट बहुत ही सही लगा 100 रुपीज़ में। और इस तरह से आपको बर्नियाज मिल जाएंगी और इस तरह से मिल जाएंगे आपको, देखिए कैसरोल मिल जाएंगे, सिरामिक के कैसरोल्स मिल जाएंगे, डोनट वास, इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ वास मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे नैपकिन होल्डर भी सिरामिक में मिल जाएगा। और मुझे इस